जनवरी 2024 में रामलला 500 साल बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है, लेकिन उससे पहले नवंबर में ही श्रद्धालुओं को अयोध्या की दिव्यता दिख जाएगी, जब दिवाली में सरयू के घाट पर 21 लाख दीयों से जगमगाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि अयोध्या को उसका गौरवशाली इतिहास वापस दिलाएंगे। राम मंदिर का निर्माण कितना हो गया है और कहां कितना अभी काम बाकी है, क्या आने वाले दिसंबर तक पहले चरण का काम पूरा हो पाएगा या भक्तों को और इंतजार करना पड़ेगा, जानने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 500 साल बाद भव्य राम मंदिर का सपना साकार, खत्म हुआ इंतजार, जनवरी में भव्य राम मंदिर तैयार, नवंबर में राम मंदिर के शुभारंभ की रिहर्सल, दीपोत्सव में दिखेगा दिव्य अयोध्या का ट्रेलर। जनवरी में राम भक्तों को वो सौगात मिलने जा रही है जिसका इंतजार उन्हें पिछले 500 सालों से था। अयोध्या में सिर्फ दिव्य राम मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि राम मंदिर को भी भव्य बनाने की तैयारी है, जहां जाते ही भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति होने लगेगी। राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है, मंदिर समय पर तैयार हो जाए इसलिए मुख्यमंत्री योगी खुद निर्माण कार्य का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने मंदिर के पूरे कैंपस का मुआयना किया, मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक, खंभों से लेकर दीवारों और फर्श तक निर्माण कार्य की एक एक प्रगति को खुद देखा। 2 महीने के अंदर सीएम योगी दूसरी बार राम मंदिर की प्रगति देखने पहुंचे थे। सीएम योगी उस जगह पर भी पहुंचे जहां गर्भगृह बन रहा है। हालांकि गर्भगृह अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सीएम योगी ने वहां माथा टेका और गर्भगृह के निर्माण की प्रगति देखी। मुख्यमंत्री ने मंदिर बनाने में लगे इंजीनियर्स से बात की, कितना काम हुआ है, कितना बचा है, एक एक जानकारी ली। राम मंदिर का शुभारंभ जनवरी महीने में हो जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसका शिलान्यास भी मोदी ने ही किया था। इससे पहले 15 जनवरी से 22 जनवरी तक धार्मिक अनुष्ठान होंगे। अयोध्या के लिए पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। ये अयोध्या के भव्य राम मंदिर की सबसे नई तस्वीरें हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर कितना बन गया है और कितना काम बाकी है। राम मंदिर का गृह मंडप बनकर तैयार हो गया है, परिक्रमा पथ भी तैयार है, वहीं ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, सिंह द्वार भी पूरी तरह बनकर तैयार है, इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। 32 सीढ़ियां चढ़कर भक्त सिंह द्वार के चबूतरे तक पहुंचेंगे। ग्राउंड फ्लोर में गर्भगृह समेत 25,000 वर्ग फीट मार्बल फर्श का निर्माण होना है, जिसमें 6,000 वर्ग फीट का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा लाइटिंग का काम भी आखिरी दौर में है। यहाँ पर आपको भगवान श्री राम की एक ध्वजा दिखाई दे रही होगी। ये ध्वजा उसी स्थान पर लगाई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को बैठकर भूमि पूजन किया था। आप जरा आगे आइए और यहां वो दहलीज या ड्योढ़ी है जिसे बरकरार रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पुजारी या सिर्फ जो लोग मंदिर की हर रोज की गतिविधि में शामिल हैं वही जा सकेंगे। आप जैसे आगे आएंगे तो यहां आपको संगमरमर की दीवार दिखाई देगी। ये मकराना का संगमरमर है जिसके तहत गर्भगृह की दीवारों को कवर किया गया है। इन दीवारों पर क्या हो इसकी प्रेरणा भी नागर शैली से ली गई है। तो जो ये स्तंभ देख रहे हैं, ध्वजा देख रहे हैं आप, ये भगवान श्री राम की ध्वजा है जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, वहीं दूसरे चरण का काम दिसंबर 2024 और तीसरे चरण का काम दिसंबर 2025 में पूरा होगा। मंदिर के भूतल में ही गर्भगृह है, जहां रामलला की 51 इंच की मूर्ति विराजमान होगी। बाल स्वरूप में रामलला की प्रतिमा का स्ट्रक्चर 8 फीट होगा। मूर्ति इस तरह डिजाइन की गई है कि राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूरज की रोशनी सीधे रामलला के माथे पर पड़ेगी। भगवान श्री राम के मंदिर में एक खास व्यवस्था की गई है, सूर्य तिलक की, यानी राम नवमी के दिन जब सूरज सामने से आएगा तो उसकी रेज या कहें सूरज की रोशनी सीधे भगवान श्री राम की मूर्ति पर पड़ेगी दोपहर 12 बजे 5 मिनट के लिए। यह सूर्य तिलक का वो विहंगम दृश्य होगा जो साबित करेगा कि नागर शैली का इतनी बड़ा मंदिर इतना खास है कि सूरज भगवान श्री राम का तिलक करने के लिए राम नवमी के दिन 5 मिनट के लिए मौजूद होगा। वो भक्तों के लिए एक विहंगम दृश्य होगा, हर कोई उसकी झलक पाना चाहेगा। इस बात का ख्याल मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रखा गया है। पूरे शहर भर में उस वक्त ट्रांसमिशन होगा, लाइव ट्रांसमिशन स्क्रीन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त भगवान श्री राम के सूर्य तिलक को अपनी आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट जानता है कि उस विहंगम दृश्य और वक्त को देखने के लिए हर भक्त आतुर होगा और यहां बड़ी संख्या में लोग होंगे। राम मंदिर का शुभारंभ भले ही जनवरी 2024 में हो, लेकिन इसकी भव्यता की झलक दीपावली में ही देखने को मिल जाएगी। भगवान राम के अस्थाई मंदिर में विराजमान होने का ये आखिरी दीपोत्सव होगा, जिसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट से लेकर राम की पैड़ी तक 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिसमें 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा, इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ, वो एक सफलतम प्रयास था। 22 जनवरी को दिन अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा। जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय पूरी दुनिया इस भव्य आयोजन की साक्षी बनेगी। भारतीय श्रद्धालुओं के अलावा 150 से अधिक देशों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये मंदिर भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव की पहचान है और ये मंदिर भारतीय जनमानस को 500 साल बाद मिल रहा है, यानी जनवरी 2024 में यहां की तस्वीर देखने लायक होगी, जब 150 से ज्यादा देशों में यहां पर हो रही प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें पहुंचेंगी और भारतीय जनमानस यहां मंदिर में भगवान को विराजते हुए देख पाएंगे। रामलला का मंदिर इतना भव्य बन रहा है कि वो 1000 साल तक खड़ा रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कुल 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे। इसमें 2.7 एकड़ का मुख्य मंदिर परिसर है, जिसमें रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। इसके अलावा दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जहां भक्त दर्शन कर सकेंगे। इसमें 5 मंडप होंगे, जिन्हें कुडू, नृत्य, रंग, कीर्तन और प्रार्थना के नाम से जाना जाएगा। वहीं 360 फीट लंबे और 250 फीट चौड़े मंदिर में कुल 392 पिलर बन रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 166 जबकि फर्स्ट फ्लोर पर 144, सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर लगेंगे। ग्रेनाइट के पत्थर से प्लिंथ बनाई गई है और बंसी पहाड़ के इन पत्थरों को यहां तराशा गया है। इस तरह से पिलर बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 166 पिलर होंगे और हर पिलर पर 25 तस्वीरें या कहें कि मूर्तियां उकेरी जाएंगी। नागर शैली में सब कुछ बताया गया है कि पिलर पर किस तरह की प्रतिमाएं होंगी, मंडप में किस तरह की प्रतिमाएं होंगी
और गर्भगृह की दीवारों पर किस तरह की परिक्रमाएं होंगी वो सब नागर शैली में विस्तार से बताया गया है और मंदिर को उसी तरह से तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर में भक्तों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक भक्त अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन कर सकें। अगर मंदिर 12 घंटे के लिए खुलता है तो 70,000 से 75,000 भक्त रामलला के दर्शन कर सकते हैं, यानी एक श्रद्धालु करीब 1 मिनट तक रामलला का दर्शन कर सकेगा। लेकिन अगर आगे एक दिन में 1.25 लाख भक्तों की भीड़ जुटती है तो दर्शन के समय की टाइमिंग लगभग 20 सेकंड घट सकती है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इस आयोजन में लाखों भक्त इकट्ठा होंगे। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना देने की तैयारी है। प्रशासन टेंट सिटी बसाने जा रही है जिसमें वो भक्त जो होटल में नहीं रुक सकते वो रुकेंगे। यहां 1 साथ 25,000 भक्तों के रहने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा 70 एकड़ जमीन पर 20,000 चार पहिया गाड़ियों के लिए पार्किंग तैयार कराई जा रही है। साथ ही भक्तों के लिए मेडिकल फैसिलिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। राम मंदिर के साथ ही अयोध्या को भी दुनिया का सबसे वैभवशाली शहर बनाने की तैयारी है। 2024 में भगवान राम अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उस समय दुनिया अयोध्या का वैभव देखेगी। योगी सरकार अयोध्या में करीब 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चला रही है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं। अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए गए थे और आज उसकी समीक्षा हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। एक तरफ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है तो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दिसंबर तक यहां हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर बस स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर चौड़े मार्ग इन दिनों बनाए जा रहे हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण तक जाने के लिए 3 पथ का निर्माण भी किया जा रहा है जो दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अयोध्या को दूसरे धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या रिंग रोड का निर्माण होना है, सड़क का चौड़ीकरण होना है, साथ ही पंचकोशी और 14 कोसी परिक्रमा में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। जो एक नया संदेश हमारी जो नई सरकारों ने दिया है वो एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है उसका, कि हम सिर्फ एक धर्मस्थल का विकास नहीं करते तो उसके आसपास की सारी परियोजनाओं को उससे कनेक्ट करते हैं और दुनिया के लोग जानेंगे कि वो अयोध्या कहाँ खोई हुई थी। राम जी 500 साल के बाद वापस लौट रहे हैं, आप सोचिए ना, और वो भी भव्य दिव्य और एक अनुपम मंदिर के अंदर। उस गर्भ में जब विराजमान होंगे तो संपूर्ण विश्व के लोग टकटकी लगा करके उसको देखेंगे। जनवरी 2024 से अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी, साथ ही भक्तों का वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा जिसके लिए पिछले 500 साल से संघर्ष चल रहा था। रामलला अपने घर में विराजमान होंगे और तब जो अयोध्या का नजारा होगा वो वाकई अद्भुत होगा।